पूछे बगैर कोई नोटिस निकालेगा तो उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होगी। इसी तरह अगर गवर्नर हाउस में बैठे हुए गवर्नर की मौजूदगी में गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई नोटिफिकेशन निकालता है तो उस नोटिफिकेशन की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फिक्रिया है पूरी कौम के लिए कि किस तरह एक गवर्नर जो एक आईनी ओहदा है और सूबे में सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, उनकी मौजूदगी में उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि जी मैंने बुज़दार साहब को डी नोटिफाई कर दिया। अब आप कौन होते हो डी नोटिफाई करने वाले? अगर गवर्नर नोटिफाई करता है तो आईन और कानून के मुताबिक फिर गवर्नर ही डी नोटिफाई भी कर सकता है, किसी सेक्रेटरी को ये इख्तियार हासिल नहीं है। मैं यहाँ ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे चलकर ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये दो कदम नून से भी आगे बढ़कर जो चल रही है इन सब के खिलाफ आईन और कानून के तहत कार्रवाई होगी। अगर गवर्नर साहब का सेक्रेटरी उनकी मंशा के बगैर उनकी अप्रूवल के बगैर कोई नोटिफिकेशन करता है तो उसको जवाबदेह होना पड़ेगा, गवर्नर साहब के आगे भी जवाबदेह होना पड़ेगा, कोर्ट में भी जवाबदेह होना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सामने भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि आपने रूल्स ऑफ बिजनेस को किस तरह बायपास किया है। इसी तरह जो भी हमारा अफसर सूबे में एक कानूनी और आईनी जो एक प्रोसीजर है उसको अगर बायपास करेगा तो उसके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। अब अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, एक अब आपकी पोजीशन डी नोटिफाई होने के बाद क्या पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को चीफ सेक्रेटरी इस्तेमाल हुआ है, क्या पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को इस्लामाबाद से यूज किया गया? मैं पहले इसका जवाब दे दूं क्योंकि इसलिए मैं अभी इससे बात भी कर रहा था और रेलिवेंट भी है। देखें वो नोटिफिकेशन जिसके तहत उस्मान बुज़दार साहब को डी नोटिफाई किया गया उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, नंबर वन, वो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नंबर टू, आप ये देखें कि एक गवर्नर हाउस जो रात को नोटिफिकेशन जारी करता है वो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के मुतल्लिक करता है, कैबिनेट को तो उन्होंने डी नोटिफाई नहीं किया और चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दिया। क्या इसकी कोई आईनी या कानूनी हैसियत हो सकती है कि एक ही नोटिफिकेशन के दो हिस्से हैं, एक ही नोटिफिकेशन में दोनों चीज़ें मेंशन है कि चीफ मिनिस्टर भी मेंशन है और कैबिनेट भी मेंशन है? तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त अगर उन्होंने, मैं फ़र्ज़ कर लें, उस्मान बुज़दार साहब को डी नोटिफाई किया तो कैबिनेट तो एग्जिस्ट करती है, जब तक नई कैबिनेट नहीं आती हम एग्जिस्ट करते हैं, हमें किसी ने डी नोटिफाई नहीं किया और हमें गवर्नर साहब के अलावा कोई डी नोटिफाई कर भी नहीं सकता। अब काबीना का हलफ कौन सबसे कोई नहीं लेगा मास आए गवर्नर साहब के, क्योंकि ये प्रीरोगेटिव जो है गवर्नर साहब का है, उन्होंने नहीं ही हलफ लेना है। दूसरा, खुद आपने फरमाया कि कौमी असम्बली के स्पीकर साहब को आना पड़ा है, तो वो मैंने पहले कहा है कि वो एक गैर एक आईनी इकदाम था। पूरा आईन उठा कर देख लें, अगर स्पीकर नेशनल असम्बली का कहीं उसमें जिक्र है कि वो हलफ लेंगे तो हम उस बात को मानने के लिए तैयार है। लेकिन यह मैं एक चीज़ और वाजे करना चाहता हूँ कि ये आज तो स्पीकर नेशनल असम्बली के साथ बात हुई है, लेकिन दो दिन पहले जो इनकी हाई कोर्ट में रिट थी उसमें इन्होंने पार्टी बनाया हुआ था चेयरमैन सेनेट को, और इनकी प्ली ये थी कि चेयरमैन सेनेट जो है वो आकर हमसे हलफ ले। खुदा के लिए, जिद आप सारे लोग रोज़ अदालतों को भी कवर करते हैं, असम्बलियों को भी कवर करते हैं, क्या प्रोविंशियल असम्बली की स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं चेयरमैन सेनेट एग्जिस्ट करते हैं? क्या आईन में कहीं वो एग्जिस्ट करते हैं हलफ लेने के हवाले से? किस कानून के तहत इन्होंने जाकर अदालत में कहा जी कि चेयरमैन सेनेट हमसे हलफ ले? सो आईन और कानून को बायपास करने का हर जो है हरबा ये इस्तेमाल करते हैं, अगर चल जाए तो ठीक है, ना चले तो खामोशी क्या करना। जो राय साहब, दो बड़े खिलाड़ी थे पंजाब के अंदर, एक तो गवर्नर चीमा साहब हैं वो डटे हुए हैं, दूसरे उनके बड़े खिलाड़ी थे उस्मान बुज़दार साहब,
रात गए भी आप लोग उनसे मिलते रहे, मुशावरत होती रही इस मामले के ऊपर, लेकिन वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए और यहाँ पे भी वो आए और चले गए। क्या वजह थी, किस बात के लिए उनको मनाया जा रहा था? देखिए, नहीं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अगर आईन और कानून के मुताबिक देखें तो वहाँ पे जिक्र है चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, कैबिनेट सारी आपके सामने खड़ी है, तो जब कैबिनेट सामने खड़ी है तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर भी खड़ा है और हमें चीफ मिनिस्टर का पूरा एतमाद हासिल है। देखिए मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि उस दिन जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ और जिसके नतीजे में हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए, क्या किसी तौर पर भी आप उसको एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कह सकते हैं? कती तौर पर तो वो है ही नहीं, वो तो हमारी नज़र में उनका इलेक्शन इलेक्शन ही नहीं है। फिर से मैं समझता हूँ कि इन हालात से हमें बचना चाहिए। देखिए मैं इसी में दे देता हूँ कि इस वक्त हमारी इंटर कोर्ट अपील चल रही है और जैसे कि आपने देखा कि उसमें इंटरिम रिलीफ भी हमें मिला जो हमारे लिए हौसला अफजा है, नंबर वन। नंबर टू ये कि जैसा अभी मोहतरमा ने फरमाया कि अगर वहाँ से कुछ ऐसा हमें रिलीफ नहीं मिलता तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारे पास आगे ऑप्शंस मौजूद हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें किसी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो अदालतों पर अदम इतमाद नहीं कर रही। हम बार बार कह रहे हैं कि हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करेंगे और ये इस हमारे इस अज़म से मैं भरपूर तरीके से इस बात की ख्वाहिश रखता हूँ और हमारी उम्मीद है कि अदलिया भी हमारे एतमाद पर पूरा उतरेगी और अदलिया गैर जानबदाराना फैसले करेगी। अगर गैर जानबदाराना फैसले होंगे तो हम भी मानेंगे, अवाम भी मानेंगे, लेकिन अगर फैसलों में कहीं लचक आई तो मैं समझता हूँ कि हमसे पहले आप लोग महसूस कर लेते हैं, आप ही उसको नहीं मानेंगे। तो ये बताएं कि एक तो आईनी ये बिल्कुल कथित तौर पर नहीं लग सकता, लेकिन मैं आज की पिटीशन के हवाले से अर्ज करना चाहूँगा कि उस पिटीशन में पैरा नंबर 9 जो है गुज़श्ता फैसले का वो ज़ेरे बहस आया, जिसमें कि गवर्नर साहब पर भी ऑब्जर्वेशन दी गई थी और प्रेसिडेंट साहब पर भी ऑब्जर्वेशन दी गई थी, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि उसी पैरा को अदालत ने आज सस्पेंड कर दिया है, तो जब अदालत उस पैरे को सस्पेंड कर रही है तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद आर्टिकल 6 की बात करना ही जो है वो बिला जवाज है। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें मफरूजों पर नहीं जाना चाहिए, हम इस वक्त इंतहाई साफ सुथरे तरीके से अपने मौकफ को लेकर चल रहे हैं, अदलिया पे हमें एतमाद है, ये एक लीगल बैटल है जिसमें हम इंशाल्लाह ताला कानूनी तौर पर ही आगे जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हमें कामयाबी हासिल। थैंक यू सर।